नानी का डल्लब का गद्दा मिला हुआ है, है ना अमायरा, है ना अमायरा, लेटो सो जाओ, चोई चोई कर लो भाई, चोई चोई कर लो, चुप करो भैया, सो जाओ, चल चल कर लो, अले 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 अले, उठ गया मैं तो उठ गया, मेरे तो छोड़ना नहीं है। यहाँ मैं देख रही थी मेरा आधे से ज़्यादा सामान, जब हम देहरादून आए थे सहारनपुर से तो आधे से ज़्यादा सामान हमने गांव में पहुँचवा दिया था, तो यहाँ ये मेरे दीवान में सामान रखा हुआ था। तो आज हम ये चेक कर रहे थे कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, कुछ ख़राब तो होने वाली चीज़ नहीं है किसी, तो यहाँ मैंने कहा चलो धूप भी लग जाएगी सामान को और देख भी लेंगे कि क्या क्या सामान है, क्योंकि बहुत सारा डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन का सामान यहाँ हमने सब चेक कर लिया था और धूप भी लगा दी थी सारे सामान को। ये देखो आज ऐसा नहीं है कि ये कपड़े हाथ से धुली है, इसका जो मशीन का ड्रायर है, ड्रायर का काम ये कर रही है। कभी आप लोग ये सोचे कि ये कपड़े हाथ से धुली है। तो यहाँ किचन में आकर के मैंने बच्चों की फरमाइश पे ये बेसन का हलवा बनाने लगी थी। बच्चों को बेसन के हलवे का मन कर रहा था तो मुकुल बोला चाची जी बेसन का हलवा बना दो, तो यहाँ ये हो रही है स्पेशली मुकुल की फरमाइश पूरी। तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों के लिए भी बेसन का हलवा बना देते हैं। और अभी दोपहर में फिर खाना बनेगा, दोपहर में खाने में बनाए थे मैंने छोले, चावल और कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मैं सूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो अपलोडिंग पे लगी हुई थी और फ़ोन मेरा बिज़ी था, इसलिए मैं दोपहर के खाने की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आज की वीडियो यही है मेरी, छोटी सी वीडियो है और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वैसे भी आप लोगों को सबको गांव की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो यहाँ जो है हलवा मेरा पानी वानी डाल दिया था, सब चीनी वीनी सब डाल दिया था, और हलवा बनाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और ये मेरा यहाँ पर देखिएगा कितना अच्छा कलर आ रहा है, एक तो हमारी किचन में ये इस तरीके का कलर हो रहा है और फिर रोशनी भी अच्छी खासी रहती है, लाइट नहीं जलाई हुई है मैंने यहाँ पे, ये बाहर की ही रोशनी आ रही है। तो बहुत खुली सी बड़ी सी किचन है तो अच्छा भी लगता है और काम करना भी अच्छा लगता है। तो यही है मेरी आज की जो वीडियो है।
सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैं गांव में ही हूँ अभी, और मैं बना रही हूँ हलवा, बेसन का हलवा बना रही हूँ। और अभी आज जाएंगे हम वापस शाम के टाइम, आज या कल अभी पक्का नहीं है। और अभी नाश्ता वास्ता वैसे तो हो गया सबका, बच्चों का मन करा कि कुछ मीठा खाया जाए तो इसलिए बेसन का हलवा बन रहा है। नाश्ता मैंने सबको करा दिया, चाय वाय सबकी हो गई है, बस अब दोपहर का खाना बनेगा। दोपहर का खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे, कद्दू भी रखा हुआ है, देखते हैं कढ़ी बनाएंगे या कद्दू बनाएंगे या दोनों बनाएंगे, कुछ पता नहीं है अभी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। इस कढ़ाई को हम चूल्हे पे भी रखते हैं ना, तो इसलिए ये नीचे से काली है, चूल्हे पे भी काम आती है हमारी ये कढ़ाई। दिखाती हूँ आपको हलवा, ये देखिए thank you।